ओके ओके कौन हो तुम यार? मैं रजनी द रोबोट हूँ। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक वारंट है। मेरा वारंट? डेफिनेटली दादा ने दिया होगा, डेफिनेटली। हाँ मैंने दिया है। तुमने तो नाक में दम कर रखा है। शो शुरू होने से पहले इतना पकाता है, सोच रहा तुझे जेल में डाल दूं। You are right, दादा। इसकी सजा डिसाइड कीजिए। अरे सजा कोर्ट डिसाइड करता है। अरे कोर्ट हमारा है, फैसला भी हमारा है। एक काम कर, जेल से भागे हुए कुछ कैदी आए हुए हैं, इन्हें उनसे मिला देते हैं। सही कहा आपने शंभू दादा। आप अपनी जज की कुर्सी पर प्रस्थान कीजिए, मैं इससे निपटती हूँ। थैंक यू। Okay, welcome to the drama company. Please welcome the talented star cast of Lucknow Central, Farhan Akhtar, Inamul Haq, Ravi Kishan, Deepak Dobrial, Diana Pente, and Ronit Roy. सेंट्रल का द ड्रामा कंपनी में स्वागत है। सर प्लीज आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। सब बैठ गए, मैं चलो चेयर पे मैं ही बैठ जाता हूँ। लड़की खड़ी हुई है, तू खड़ा हो जा, उन्हें बैठने दे। सर ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है, लड़की जैसी दिखती है सिर्फ। ओह हेलो, नमस्कार, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओह ऑलरेडी ऑलरेडी? देखिए ये थोड़ी सी एंथुजियास्टिक रोबोट है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो लड़की है आपसे फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहेगी। ओके गो। मिस्टर फरहान अख्तर। मी? यस। आई एम जस्ट लुकिंग एट मी। क्वेश्चन। वो रहा क्वेश्चन। पूरे 50 रुपए के लिए आपका पहला सवाल ये रहा। एक मिनट, ये केबीसी नहीं हो रहा, ठीक है मैं ही पूछता हूँ। ये थोड़ा सा फॉल्टी रोबोट है हमारा। वो जो चाबी भरते ना हम लोग। जी जी। वो थोड़ा चाबी कम भरी लगती है, ये चाबी ज्यादा भरती सर, ये केबीसी तक चली गई। अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ फरहान सर से? फरहान सर जी, ये नीचे कर दो। फरहान सर हमने ट्रेलर देखा लखनऊ सेंट्रल का, कमाल का ट्रेलर है। पहले तो ट्रेलर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ट्रेलर में एक बहुत बड़ी बात आपने कही, प्लान कुछ और है, आप कुछ स्कीम करता हुआ नजर आ रहे हैं, प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें बताइए कि क्या है लखनऊ सेंट्रल में? लखनऊ सेंट्रल एक मतलब बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो सपनों के बारे में है, उम्मीदों के बारे में है। और एक बात जाहिर है कि मतलब इंसान जो भी हो, वो जेल से बाहर हो या जेल के अंदर हो, वो सपने देखना नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब एक किरदार के बारे में है, और किस तरह से जो उसका एक सपना था कि वो फिल्मों में म्यूज़िक दे, उस सपने को लगता है कि उसके हाथ से वो सपना निकल गया है जब वो जेल जाता है। लेकिन जहाँ उसकी मुलाकात होती है बहुत से प्यारे दोस्तों के साथ, जो एक एनजीओ वर्कर हैं गायत्री कश्यप जी, जब वो भी मिलती है मुझसे, तो फिर से वो एक उम्मीद जाग उठती है, और किस तरह से सपना पूरा होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उसने पहले सोचा था। और इस दौरान एक अलग भी ट्रैक है, लेकिन उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। कॉल लखनऊ सेंट्रल। आई जस्ट लव दिस रोबोट मैन। आई लव यू टू। आप जिस तरह इस इंटरव्यू में अकेली लड़की हैं, ये तो रोबोट है, इसे मत देखिए। वैसे आप शूटिंग पे भी अकेली लड़की थी जी, इतने सारे लड़के, सो डिड यू रियली लव द अटेंशन? नोबडी गेव मी एनी अटेंशन। I think they were all scared of me. अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये हुई ना बात। ये पूरी फिल्म नाइट में शूट हुई है। नहीं। लगभग पूरी बात लगभग। ठीक है। हाँ। अब डायना जी गायत्री कश्यप का रोल कर रही है। हाँ। तो इनका जितना काम हुआ था वो दिन में हुआ है, बाकी पूरी फिल्म जो है वो नाइट में फिल्माएगी। ओह, और लड़कों को कब सूझता है प्रैंक्स? नाइट में। नाइट में जी, ये आती थी डे में। ओह, तो ये चले गए और प्रैंक रह गए बस एक दूसरे के साथ करने के लिए। अच्छा अच्छा, आप पूछ लो। मिस्टर दीपक, मिस्टर इमाम, आपने यहाँ पर तीन वेरी म्यूजिकली टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया। मिस्टर फरहान अख्तर, मिस्टर गिप्पी गरेवाल, मिस्टर रवि किशन, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप म्यूजिकली आउट ऑफ सुर हो रहे हैं? मतलब माथा पीट पीट के भी हमें भी कुछ आ गया थोड़ा सा, तो हमने अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया। बॉडी को इंस्ट्रूमेंट बना लिया? ये कैसे किया सर आपने? ये बड़ा सिंपल है। हो गया आपका क्वेश्चन। खुश? रवि सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है। मैं इसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ और बहुत मजा आएगा बाबू, बहुत कड़क वाला रोल है मेरा, बहुत मजा आएगा। द ड्रामा कंपनी में हम कुछ चीजें अनोखी करते हैं, तो अब हम आपको कुछ प्रॉप्स देंगे और एक छोटी सी गेम आप सबके साथ खेलेंगे। ओके, चलिए चलिए चलिए, एक सेकंड। हाँ, ये रहा। ओ, सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप तैयार हैं? यस, वी आर रेडी। देखिए, सवालों का जवाब आपको इनिशियल्स में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मिल्खा सिंह का रोल किसने प्ले किया था, तो आपका आंसर है वेरी सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, रेडी? हां, क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सेट का भुक्कड़ कौन है? भुक्कड़, सेट का भुक्कड़, सेट का भुक्कड़, भुक्कड़ भुक्कड़। खुद का नाम नहीं लिख सकते। मैं भुक्कड़ मतलब जिसको सबसे ज्यादा खाना, तुमने किसका लिख दिया? मैं दिखा दीजिए, टाइम ओवर। आई थिंक सर ये आपको जाता है सर। नहीं, मगर मगर प्लीज आप समझ जाइए, जब आप बोल रहे हैं भुक्कड़, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये किस बारे में बात हो रही है? मैं सीन के भुक्कड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई मेरा में सब कब आएगा? मेरे शॉट कब लिए जाएंगे? तालियां। डायलॉग इनका है, मैं भी कुछ बोलता हूँ। ये तालियां 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 तालियां। अब ऐसे ऐसे उल्टा घूम जाते ना अगर। हाँ जी, ओके सर। अरे ओ, आपको डिस्ट्री जी, मैं खुद आ जाऊँ। अरे लारा लारा। टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सबसे ज्यादा डायना के साथ कौन फ्लर्ट करता था? और अभी अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। ना, अपना नाम लिख सकते सर। आगे आंसर आ गया सर, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ये मैं लिख दूं सर? नहीं, मैं आपको मैं कहानी बता दूं। कहानी सुन दे। हाँ, कहानी ये है कि मैं डायना जी को बहुत पहले से जानता हूँ और इनसे जुड़े कुछ लोग भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, और इनके जो मेन लंबे सीन्स हैं वो सारे मेरे साथ हैं, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सेट पे, क्योंकि एक ही महिला है पूरे, देखिए गुट में कहाँ कैदी, जेलर, सैनिक लोग, और वहाँ पर ये देखिए। करेक्ट, तो फ़र्ज़ बनता है कि नहीं कि मैं इन्हें एंटरटेन रखूँ। दादा, नाउ आई अंडरस्टैंड, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था। व्हाट दादा? ये दिन और रात का फर्क सिर्फ आप ही को क्यों समझना है? इस राउंड के विनर है रोनित दादा, जोरदार तालियां। एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं फरहान सर के बारे में। आई थिंक उन्होंने इस फिल्म में एक्कापेला प्ले किया है। एम आई सेइंग इट राइट? हाँ, सही कह रहे हैं आप। मुझे तो मालूम भी नहीं है क्या सर, प्लीज बता दीजिए व्हाट इज एक्कापेला? एक्कापेला बेसिकली ये है कि आप संगीत बनाएं मगर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए। ओके, तो सारी चीजें जो होती है सिर्फ आवाज। ओके, या फिर जैसे दीपक ने दिखाया आपको बॉडी परकशन, जो भी वैसे सारी चीजें, लेकिन कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साथ नहीं बज रहा है। अच्छा, देखिए अभी आपने फिल्म में तो बहुत बैंड बजाया है। हाँ, आप द ड्रामा कंपनी पे आए हैं, यहाँ पे भी हमें एक थोड़ा सा नमूना देखना है, लेकिन हमारे पास कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट है जिससे शायद थोड़ा म्यूजिक निकल आए। अच्छा, तो मैं ले आता हूँ। चाय ले लो, चाय ले लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.